नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। भारत में सबसे बड़ा पद देश के राष्ट्रपति का होता है, लेकिन इस वक्त राष्ट्रपति के नाम पर जो सियासत चल रही है वो बेहद शर्मनाक है। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस राष्ट्रपति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है। यकीन ना हो तो चलिए हम आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत के संविधान के लागू होने के 75 साल पूरे होने के मौके पर हुए कार्यक्रम में जहां पुराने दोस्तों के बीच गर्मजोशी देखने को मिली, तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए। दरअसल बीजेपी ने उन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, असल में जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू मंच पर लोगों से अभिवादन कर रही थी, तब राहुल गांधी मंच से उतरने लगे। हालांकि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश उनके सामने थे, लेकिन राहुल उनके पीछे पीछे बढ़ते गए। मंच पर जब सभी लोग खड़े थे तब राहुल अचानक बैठ गए। इसके बाद जब स्मारिका का सिक्का और डाक टिकट लॉन्च हुआ तो भी राहुल कुछ उलझे हुए नजर आए और मोमेंटो को उलटते पलटते दिखे। भाजपा ने एक्स पर कथित रूप से कार्यक्रम के दो वीडियो क्लिप साझा करते हुए कहा, राहुल गांधी को इतना घमंड है कि राष्ट्रपति जी का अभिवादन तक नहीं किया। इस पोस्ट में आगे कहा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जनजातीय समाज से आती है, महिला है और राहुल गांधी कांग्रेस के राजकुमार, ऐसी घटिया मानसिकता है ये। पहले आप भी देखिए ये वीडियो। कांग्रेस का द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कैसा व्यवहार रहा है, आज भी कांग्रेस के लोग माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करने से बाज नहीं आते। सच्चाई है कि कांग्रेस और उसके साथ ही आदिवासी संतानों को ऊंचाई पर देख ही नहीं सकते। वही पहली बार नहीं है जो बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रपति की आदिवासी पहचान के कारण उनका अपमान करने का आरोप लगाया है। इस साल की शुरुआत में पीएम मोदी ने टिप्पणी की थी कि राष्ट्रपति के राम मंदिर जाने और देश की भलाई के लिए प्रार्थना करने के दो दिन बाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने घोषणा की थी कि मंदिर को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा। मोदी ने कहा था कि क्या देश के आदिवासी माताओं और बहनों का अपमान नहीं है। इस बीच कांग्रेस ने भी पिछले साल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह और इस साल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं करने के लिए बीजेपी की आलोचना की थी। इस साल की शुरुआत में राहुल गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दलितों, पिछड़े समुदायों और राष्ट्रपति को बाहर रखने के लिए केंद्र की आलोचना की थी। इसे उनका अपमान बताया था। कुल मिलाकर कहने का मकसद केवल इतना है कि देश में पहली बार कोई आदिवासी महिला देश के सबसे उच्च पद पर विराजमान है, ऐसे में उनको बार बार राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाना गलत है, चाहे वो बीजेपी करे या कांग्रेस, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।